गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ। एट फर्स्ट वी शुड नो व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बॉडी ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू विच अ स्टेट इज कॉन्स्टिट्यूटेड और गवर्न। तो संविधान एक ऐसी बॉडी का नाम होता है जो फंडामेंटल प्रिंसिपल पर बेस्ड होती है और उन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, उन मौलिक सिद्धांतों के आधार पर ही किसी भी देश का शासन चलाया जाना होता है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बॉडी ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू विच अ स्टेट इज कॉन्स्टिट्यूटेड और गवर्न। नेक्स्ट वी कम टू द पॉइंट ऑफ फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस। ये आखिरकार संविधान हमारे लिए क्या करता है, इसके कौन कौन से काम होते हैं। तो फर्स्ट वर्क इज कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज द पावर टू मेक डिसीजंस इन सोसाइटी। कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है स्पेसिफाई करता है, बताता है द पावर टू मेक डिसीजन इन द सोसाइटी, कि समाज में कौन डिसीजन लेगा या किसके पास पावर्स होंगी, इस बात को क्लेरिफाई करता है, स्पेसिफाई करता है। नंबर टू इज इट स्पेसिफाइज हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड। संविधान बताता है कि किस तरह से जो गवर्नमेंट है विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड, सरकार को कैसे चलाया जाएगा, इस बात को कॉन्स्टिट्यूशन जो है बताता है, उसमें लिखा होता है इस चीज़ के बारे में। थर्ड है इट सेट्स लिमिट्स ऑन व्हाट अ गवर्नमेंट कैन इम्पोज ऑन इट्स सिटीजंस। ये एक लिमिट सेट करता है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक लिमिट सेट करता है कि जो सरकारें हैं वो अपने सिटीजन्स पर कौन कौन सी बाउंडेशंस, कौन कौन सी लिमिटेशंस कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं। नंबर फोर्थ इज इट स्पेसिफाई सर्टेन फंडामेंटल राइट्स। जो संविधान होता है वो बताता है कि नागरिकों के पास कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स होंगे, उनके बारे में बताता है। एंड नो गवर्नमेंट कैन एवर बी अलाउड इट टू वायलेट। और कोई भी जो सरकार होती है वो इन फंडामेंटल राइट्स को बर्खास्त नहीं कर सकती, उनका उल्लंघन नहीं कर सकती है, सिवाय आपातकाल की, इमरजेंसी की घटनाओं के इमरजेंसी के टाइम को छोड़ करके बाकी टाइम पर कोई भी जो गवर्नमेंट है नागरिकों के अधिकारों को वायलेट या इंफ्रिंग नहीं कर सकती है। नेक्स्ट वन इज इट क्रिएट्स कंडीशंस फॉर अ जस्ट सोसाइटी। संविधान जो है इस तरह की कंडीशंस क्रिएट करता है कि जिससे लोग एक न्यायपूर्ण समाज में रह सकें, जस्ट सोसाइटी का निर्माण हो सके, लोग निर्भय होकर के बिना डरे अपना कामकाज कर सकें, इस तरह के समाज का निर्माण करने के लिए कंडीशंस क्रिएट करता है। एंड लास्ट फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज इट डेवलप्स अ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो डेवलप करता है म्यूचुअल ट्रस्ट, आपसी विश्वास और सहयोग को बढ़ावा देता है। आपसी सहयोग बढ़ावे से मतलब है कि लोगों में चोरी का, डकैती का, इस तरह की जो बातें होती हैं उनका कोई डर नहीं रहता, किसकी वजह से, संविधान के होने की वजह से। उनको पता है कि पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए आ रही, हमारी सुरक्षा के लिए है, अगर कोई चोरी करता है या कोई दूसरा बुरा काम करता है तो उनको क्या पनिश करने के लिए संविधान में क्या प्रावधान दिए हुए हैं। अब हम आते हैं हाउ वॉज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड, कि भारत का संविधान आखिर कैसे बना। तो उसको बिल्कुल शॉर्ट में एकदम समरी दी हुई है, इसमें ज़्यादा विस्तार से बता नहीं पाएंगे वीडियो के शॉर्टेज की वजह से। इट वॉज मेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसको हाईलाइट किया हुआ है कि जो भारत का संविधान था उसको बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, विच हैड बीन इलेक्टेड फॉर अनडिवाइडेड इंडिया, जिसको अनडिवाइडेड इंडिया के लिए इलेक्ट किया गया था। अर्थात जिस समय भारत ब्रिटिशर्स का गुलाम था उस समय एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी, उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज के द्वारा भारत के जो संविधान निर्माता थे या उसके जो मेंबर्स थे उनको इलेक्ट किया गया था। अब इसकी जो पहली बैठक थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946। फर्स्ट सिटिंग जो थी कॉन्स्टिट्यूशन की वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 में हुई। एंड री असेंबल, और उसकी फिर से इसको रीअसेंबल किया गया था एज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के रूप में इसको फिर से जो था रीअसेंबल किया गया था 4
फूड डिवाइडेड इंडिया ऑन 14 अगस्त 1947। देश का विभाजन होने के बाद फिर से क्या करना पड़ा, इसको रीअरेंज करना पड़ा, रीअसेंबल करना पड़ा, तो उसको फिर से जो था असेंबल किया गया था 9 दिसंबर 1946 के लिए, कि ये जो असेंबली है वो बनाएगी, एक असेंबली बनाएगी भारत के लिए, नियम और कानून बनाएगी, संविधान बनाएगी, दूसरी बनाएगी पाकिस्तान के लिए। तो 14 अगस्त 1947 को जो था इसको रीअसेंबल किया गया था डिवाइडेड इंडिया के लिए। हम आगे आते हैं, जो इसके मेंबर्स थे वो इलेक्टेड किए गए थे बाय इनडायरेक्ट इलेक्शन। जो प्रोसेस थी उसकी इलेक्शंस की, उनके मेंबर्स जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो मेंबर्स चुने गए थे वो इनडायरेक्ट इलेक्शंस प्रोसेस के से उनको चुना गया था, बाय द मेंबर्स ऑफ प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली। प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स थे उनके द्वारा इस संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया गया था अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा। That had been established in 1935. और जो प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसको इस्टेब्लिश किया गया था 1935 में, और उसी के द्वारा जो संविधान सभा के जो मेंबर्स थे उनका चुनाव किया गया। और लास्ट है, द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वॉज कम्पोज रफली अलॉन्ग द लाइन सजेस्टेड बाय द प्लान प्रपोज बाय द कमेटी ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट नोन एज द कैबिनेट मिशन। जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसको कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो थी उसको कंपोज किया गया कैबिनेट मिशन की सजेशंस पर या उसकी सलाह मशवरे के आधार पर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो था चुना गया था। अब हम बात करते हैं कि आखिर ये जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी वो क्या थी, इसकी कुछ प्रोविजंस हैं, ज़्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं, केवल आप सुन लेंगे इसे। तो क्या था ये, ईच प्रोविंस एंड ईच प्रिंसली स्टेट अ ग्रुप ऑफ स्टेट वर अलॉटेड सीट्स प्रोपोर्शनल टू दियर रेस्पेक्टिव पॉपुलेशन रफली इन द रेशियो ऑफ 1:10,00,000। द सीट्स इन द ईच प्रोविंसेस वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द थ्री मेन कमेटीज मुस्लिम सिख एंड द जनरल इन प्रोपोर्शन टू दियर रेस्पेक्टिव पॉपुलेशंस। नेक्स्ट था इसमें जो कैबिनेट मिशन प्लान था, इसमें था कि मेंबर्स ऑफ ईच कम्युनिटी इन द प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्टेड देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव्स बाय द मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। और जो लास्ट था इसका कैबिनेट मिशन प्लान का हिसाब से जो होना था, द मेथड ऑफ सिलेक्शन इन द केस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रिंसली स्टेट वाज टू बी डिटरमिन्ड बाई कॉन्स्टिट्यूशन। अब आगे आते हैं कि कौन कौन से ऐसे प्रोविजन्स थे जो हमने दूसरे देशों से लिए, तो प्रोविजन्स बोरोड फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, तो उसमें कई देशों के नाम आते हैं। तो इनमें था हमने बहुत सारी चीज़ें जो थी दूसरे देशों से ली हैं, इसलिए इसके भारत के संविधान को एलियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। इनमें से कुछ देशों के नाम आपको बताना चाहूँगा, जैसे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कुछ बातें ली हैं, प्रोविजन्स लिए हैं, US कॉन्स्टिट्यूशन से, USSR या रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट है आपका ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से, जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से, आयरलैंड, कनाडा, जर्मनी और कई देशों के संविधान से हमने जो हमें लगा अच्छी बातें हैं उनको हमें सेलेक्ट किया था। आज हम आपको केवल ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में से हमने कौन कौन सी बातें ली, कौन कौन से प्रोविजंस लिए हैं उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं अभी। तो फर्स्ट था ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से पहला लिया हमने नॉमिनल हेड, जो प्रेसिडेंट की पोस्ट है इंडिया की, जो कि नॉमिनल हेड होता है, नाम मात्र का जो अधिकारी होता है राष्ट्रपति, वो किसकी तरह होता है, लाइक क्वीन ऑफ ब्रिटेन, जैसे ब्रिटेन की क्वीन का जो पोस्ट होती है ठीक वैसी पोस्ट इंडिया की प्रेसिडेंट की होती है। नेक्स्ट है कैबिनेट सिस्टम ऑफ मिनिस्टर्स, इट वॉज ऑल्सो बोरोड फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। पोस्ट ऑफ पीएम, प्राइम मिनिस्टर की जैसी पोस्ट है जिसकी पावर्स हैं फंक्शंस हैं वो मिलती जुलती हैं ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट की पार्लियामेंट होगी, और पार्लियामेंट कैसी होगी, बाय कैमरल होगी, लोकसभा राज्यसभा दो उसके सदन होंगे। बाय कैमरल का मतलब द्विसदनात्मक संसदीय व्यवस्था को हमने अपनाया, जो किसकी देन है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की। नेक्स्ट है लोअर हाउस मोर पावरफुल, लोअर हाउस होता है आपका लोकसभा,
तो लोअर हाउस को जो है ज़्यादा पावरफुल बनाया गया है। ये भी हमने कहाँ से लिया? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रेस्पॉन्सिबल होंगे लोअर हाउस के लिए। नेक्स्ट है स्पीकर इन लोकसभा, स्पीकर की जो पोस्ट है। नेक्स्ट है लॉ मेकिंग प्रोसीजर है इन आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ। ये सारे जो प्रोविजंस हैं वो हमने कहाँ से लिए हैं? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। धन्यवाद।